सलाम के ऊपर बैत की जाएगी। निजी असमत और मकान इब्राहिम के बीच में लोग बैत करेंगे। इधर लोगों को पता चलेगा एक बहुत बड़ा लश्कर उनके खिलाफ रवाना हो जाएगा बंदिया और उनके मानने वालों के ऊपर हमला करने के लिए। और जब वो जाएगा तो अभी एक चटियल के साहिल में होगा, अल्लाह ताला उसे जमीन में धंसा देगा। आइए हदीस देखते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2884। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जनाब के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद के दौरान हालत इस्तेरानी में परेशानी के आलम में अपने हाथ को हरकत देते हैं। जब हाथ को हरकत दिया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जो कुछ आपने किया नींद के दौरान आपने इससे पहले कभी भी इस तरह नहीं किया था, आज आखिर वजह क्या है कि आज हमने आपको इस तरह करते हुए देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है कि आखिरी जमाने में मेरी उम्मत में से कुछ लोग, मेरी ही उम्मत के कुछ लोग एक आदमी परेश का आदमी जो खानाए काबा में पनाह लिया होगा, खानाए काबा की पनाह में रहने वाले परेश के आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खानाए काबा की तरफ रवाना होंगे। लेकिन जब वो मैदान के साहिल में होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जमीन के अंदर धंसा देगा। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में तो बहुत तरह के लोग होते हैं, चलते हैं फिरते हैं, मुसाफिर भी होते हैं राहगीर भी होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आना नहीं चाहते हैं मगर मजबूर होकर के उन्हें मजबूर करके उन्हें लाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या अल्लाह ताला सब लोगों को जमीन में धंसा देगा? नबी ने फरमाया हाँ, सबके सब को अल्लाह ताला हलाक कर लेगा और सबको धंसा देगा। फिर उनमें से जो लोग मजबूर करके लाए गए थे या फिर जो मुसाफिर थे राहगीर थे कयामत के दिन उनके नियतों के हिसाब से भी उसे उठाया जाएगा, नियत के हिसाब से, क्योंकि नियत जैसी थी उसी तरह उसे उठाया जाएगा। एक दूसरी रिवायत वो भी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी कौम के कुछ लोग खाना काबा के अंदर पनाह लिए हुए रहेंगे, उनके पास दुश्मनों से दफा के लिए कोई सामान नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा, कोई जंगी सामान उसके पास नहीं होगा, वो वहां पर पनाह लेकर के रहेंगे। एक लश्कर रवाना होगा और उन पर हमला करने के लिए कर्ज से जाएगा कि अल्लाह ताला इसे भी जमीन के अंदर धंसा देगा।